मायका की माँ ही शब्द को बिल्कुल भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है। भाई शब्द ने किया ही कुछ ऐसा है, देखिए ना माही की सौतन को घर ले आया है। अब बात कुछ ऐसे हो गई है कि एक तरफ है घर वाली तो दूसरी तरफ है बाहर वाली। अब ऐसे मसले में कोई माफी दे भी तो कैसे दे? क्यों भाई माही, क्या आप शब्द को माफ करेंगी या नहीं? एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। ये बोले वो आला, वो बोले मियाली। लेफ्ट साइड में अमिताभ बच्चन और राइट साइड में राजेश खन्ना। नहीं नहीं, अरे लेफ्ट साइड में श्रिया और राइट साइड में नेहा। ऑन स्क्रीन सपना, ऑन स्क्रीन माही। सुना आपने क्या कहा शब्द ने? अरे इन जनाब को तो घरवाली के सामने बाहर वाली का परिचय देते भी डर लग रहा है, इसीलिए शब्द ने सपना को अपना दोस्त बता दिया। बीवी क्या बोल, दोस्त शब्द हम समझ सकते हैं कि जब साथ में घरवाली हो तो अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन आप तो एक समझदार पति हैं, तो फिर ये बाहर वाली के चक्कर में कैसे आ गए? ये दिखाया कि शब्द को कैसे ट्रैप किया जा रहा है। I mean, एक अजीब से सिचुएशन में फिक्स हो गया है वो, जहाँ पर उसे वो रियलाइज करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, दोनों तरफ से फंसा हुआ है। और यहाँ पर वो अपनी बीवी से झूठ नहीं बोलना चाहता, दूसरी तरफ वो ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ पर उसकी जो पुरानी दोस्त है वो, उसे पता नहीं है कि उसका प्लान क्या है, लेकिन उसे लगता है कि उसके साथ उसने जो जो उसके साथ हुआ उसके रिजल्ट है, एक बच्चा हुआ है। ही हैज अ किड विद हर एंड आई गेस दैट्स या बस। लेकिन आपकी पत्नी ने तो आपका साथ देने से इनकार कर दिया है। आई वुड लीव पर्सनली, I would leave because even अगर शादी के पहले हुआ है तो you should at least inform. I think that much is my right to know. और I don't think I would stay with somebody who would have cheated me like this. माही के मना करने के बाद बेचारे शब्द क्या करते? तो गुहार करने लगे ऐसे पतियों से जो उनकी तरह घर वाली और बाहर वाली के बीच फंसे हों। जितने भी हस्बैंड्स हैं जो सफर कर रहे हैं इनसिक्योर बीवियों के साथ, वो सब देखिए प्लीज, क्योंकि आजकल आपका ही ट्रैक चल रहा है। वैसे सेट पर तो ये दोनों घरवाली और बाहर वाले काफी प्यार से बातें करती दिखाई दी, लेकिन शब्द सीरियल की कहानी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ना ही माही इस बार माफी देने के मूड में है। मुंबई से सुशीला उपाध्याय की रिपोर्ट।